ये देखो मैं तेरे लिए नया सूट लेके आई हूँ। अरे बेटा तूने ये क्या पहन रखा है? हमने रिश्तेदारों के यहाँ डिनर पार्टी पे जाना है, वहाँ ये कपड़े कौन पहनता है? Come on मम्मी, इतनी अच्छी ड्रेस तो लग रही है, थोड़ी सी शॉर्ट है तो क्या हुआ, अच्छी तो लग रही है। बेटा ये सूट तेरे पे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बड़े मन से लेके आई थी, पहन लेना तू। मम्मी आई एम वेरी सॉरी, रोहित ने आपको बताया नहीं क्या, मैं ऐसे लो स्टैंडर्ड सूट नहीं डालती हूँ, आई ओनली वेयर एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड क्लोथ्स। ये ऐसे देसी से रोड साइड वाले कपड़े मैं नहीं पहन सकती हूँ। आपने मेरे लिए सूट सिलवाया उसके लिए थैंक यू। एक काम करते हैं, ये सूट ना मेड को दे देंगे, वो पहन लेगी, मैं इस ड्रेस में परफेक्ट लग रही हूँ, चलो चलते हैं। लेकिन बेटा मैंने ये सूट ना बहुत अच्छा बनवाया है, हाँ ब्रांड वगैरह मेरे को नहीं पता। अच्छा एक काम करते हैं, जो तेरे पास कोई अच्छा सूट है ना तेरा, वो पहन ले, तो ऐसे छोटे कपड़े पहन के जाएगी तो अच्छा नहीं लगता बेटा। मम्मी जी प्लीज आप मुझ पे ऐसे रोक टोक मत लगाइए, मैंने रोहित को बहुत अच्छे से बोला था कि शादी के बाद मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, और उसने मुझे बोला था कि उसकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्लीज अब आप ऐसे सीन मत क्रिएट कीजिए, मुझे यही पहनना है। और हाँ प्लीज आज के बाद ना आप मेरे लिए शॉपिंग मत करना, क्योंकि मैं ऐसे देसी से कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, मैं अपने कपड़े खुद खरीद लूंगी। हाँ चलिए। कांता भी नहीं आई, ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा है, कपड़े धोने हैं, क्या क्या करूंगी। बहू की शादी को भी तो 10 दिन हो गए, सास काम कर रही है और वो आराम कर रही है, आप उसे भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए ना। मैं बोल के आती हूँ। बहू, बेटा कांता नहीं आई आज, ढेर सारे बर्तन पड़े हैं और भी घर के काम करने हैं, तो प्लीज थोड़ा हाथ बटा दे मेरा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी, मैंने आज तक कभी घर का काम नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, आई एम एन इंडिपेंडेंट वर्किंग गर्ल और ये सब काम करना मुझे शोभा नहीं देता है, और वैसे भी ये सब अनपढ़ लोगों के काम होते हैं। देखिए आप हाउस वाइफ हैं इसलिए ये सब काम करना ना आप ही को शोभा देता है, तो आप ही कीजिए, मुझे मत बोलिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट इलिटरेट वुमन, आई एम PhD होल्डर from IIT Delhi. And I'm not housewife, I'm homemaker. और ये जॉब ना सबसे बड़ी जॉब है। आप लोग क्या करते हो? सुबह 10 बजे जाते हो, 5 बजे आ जाते हो, और सारा दिन किसी घर को संभालना ना किसी बड़ी कंपनी को संभालने के बराबर है। मम्मी जी आप? हाँ बेटा, मैंने भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, मैंने भी कॉर्पोरेट लाइफ देखी हुई है। I didn't forget my culture. हमें पता है हमारा परिवार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम लड़की हैं, हमारे लिए हमारा घर परिवार क्या है, हम घर की माँ हैं, बेटी हैं, बहू हैं। अगर काम वाली नहीं आई थोड़ा बहुत हाथ तो बटा ही सकते हो ना बेटा, घर का काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत काम तो आना ही चाहिए ना। अभी रिसेंटली कोरोना आया था तो कोई काम वाली नहीं आ रही थी, तो घर का काम खुद ही करना पड़ता था ना। अगर तुझे काम ही नहीं आएगा तो कैसे करोगे बेटा, सारी जिंदगी काम वालियों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हम। मम्मी जी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं और आप PhD होल्डर हैं। हाँ बेटा, तुम आजकल के बच्चे ना पढ़ लिख के कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गए हो, सिंपलिसिटी को और डाउन टू अर्थ को तो आप बहुत नीचा समझते हो, लेकिन मेरे लिए डाउन टू अर्थ रहना बहुत बड़ी बात है और मैं ऐसे रहना पसंद करती हूँ, और यही एक अच्छे इंसान और भारतीय की पहचान है। आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी, आज आपको देख के कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं उसके बाद भी घर का सारा काम करती हैं, सच में मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आजकल हम लोग पढ़ लिख के मॉडर्न बन के ऐसा समझते हैं कि हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं है, और घर का काम करना बहुत नीचा काम होता है, पर आज आपको देख के ना मेरी आंखें खुल गई हैं कि असली इंसान वही होता है जो पढ़ लिख कर भी अपना घर संभालना चाहता हो। सॉरी मम्मी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, आज के बाद ना मुझसे जितना होगा मैं आपके साथ घर का काम करवाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरी बेटी जैसी है, तू मुझे अपनी माँ समझ। हाँ एक बात याद रखना, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ सबसे पहले अपनी फैमिली है,
और अपना घर का काम करने से कोई नौकर थोड़ी बन जाता है। अपना घर का काम करने में कौन सी शर्म, ये तो हमें करना ही है। अब ठीक कह रहे मम्मी, मुझे माफ करना। और आज ना आप बैठो, आज का लंच मैं बनाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी साथ में। चलो।